इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यवस्था बदलिए, रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, व्यवस्था बदलिए, रोजगार दीजिए, व्यवस्था बदलिए, रोजगार दीजिए। देखिए, मैं कट शॉर्ट करना चाहता हूँ टेक्निकल बातें आपसे। मैं समझता हूँ कि दे आर ऑल लोकल। बिल्कुल, इसमें मेरी बात भी है, लोकल भी। मेरी बात सुनिए, उसके आधार पे फैसला कीजिए। आपका मंत्री वंत्री जो भी हो, बात कीजिए जिससे, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड। यहाँ के जेबी ने उसको रिजॉल्व किया। डायरेक्टर ने जो बात कही है कि इनके 400 लोगों के रोजगार का सवाल, हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके अच्छे बुरे अनुभव भी रह रहे हैं। अगर बदला गया है तो उसके बारे में भी उन्होंने शेयर किया कि अगर कोई बदलाव होता है तो वो अच्छाई के लिए होगा या क्या होगा, ये भी एक अलग। ये गार्ड हेल्पिंग हैंड भी है और सुरक्षा कर्मी भी है। तीसरा, जब जीबी ने फैसला लिया है कि हम एक्स आर्मी वालों को लगाएंगे, तो उस दृष्टिकोण से उनको मानना है जो हमने कहा कि 400 लोग जो बेरोजगार होंगे, 10 बरस से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनका क्या अल्टरनेटिव होगा, ये भी आप सोच के बताएं। ये हम जानते हैं ना, वो इम्प्लाई है रिम्स के होंगे ना, ये इम्प्लाई होंगे, लेकिन इनको एकदम रोड पे आएंगे, इसका क्या, कौन जिम्मेवार है? तब उन्होंने कहा है कि हम जीबी में ले जा रहे हैं ये दोबारा, और जो विशेष परिस्थिति है, जो विशेष सिचुएशन है, इसमें हम हार रखेंगे कि इसको कैसे हम रिजॉल्व करें। तो मैं समझता हूँ इसके आधार पे अब यहाँ के ये गार्ड एसोसिएशन के लोगों पर है कि अपना आंदोलन ख़त्म करते हैं या आगे रखते हैं। हमारा काम जो था, एक विश्वास दिलाना, मरीजों को नुकसान नहीं हो, ये मैं चाहता हूँ, और वो हम समझते हैं कि गार्ड के लोग भी उसको महत्व दें। इसी तरह से